बलिया बंधा को बचाने का प्रयास जारी, जनता के साथ लगे अधिकारी। जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत भोजछपरा बंधा के टूटने से बचाने में जनता के साथ अधिकारी पूरे जोरों शोरों पर लगे हैं। आपको बताते चले कि बाढ़ का पानी अपने उफान पर है, जिसको लेकर जनता भयभीत है। आपको बताते चले कि बंधा के टूट जाने से तमाम लोगों का जीवनचर्या संकट में आ जाएगा, तमाम फसलें नष्ट हो जाएंगे। लोगों ने बंधा को बचाने के लिए प्रशासन काम चल रहा है और पानी की क्या स्थिति है? अब काम में तो सब आदमी लगे पड़े हैं। बंधा ये स्थिति है जो कि पानी ज्यादा बढ़ाव है और सब आदमी लगे पड़े हैं, कर्मचारी से लेकर के और गांव के जनता उनता। अगर बंधा टूटता है तो कितने लोग प्रभावित होंगे? अरे ये बंधा टूटता है तो हजारों का लाखों में प्रभावित हो जाएंगे। काफी समस्या बढ़ जाएगी, काफी समस्या बढ़ जाएगी। ये अधिकारी लोग कब से यहाँ पर हैं मौजूद? ये अधिकारी लोग 5 दिन से आज मौजूद हैं। मैं ग्राम सभा भोजपुरा के प्रधान योगेंद्र यादव और विकासखंड रेवती। मैं ग्राम सभा में हमारे ये जो TS बंधा है 64 नंबर पे, यहाँ बहुत नाजुक मामला हो गया है क्योंकि यहाँ नदी का जो कटान है बहुत ज़्यादा है और पानी का रिसाव बहुत तेज है। और हम ये चाहते हैं, सरकार से हम ये चाह रहे हैं कि इसको बढ़िया से अच्छा से कार्य हो। प्रधान जी, अभी इसको लेकर के अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं तो देखिए, अभी आज तो SDO साहब तो हम नहीं देख पाए हैं कि मैं सुबह 6 बजे आए थे तो SDO साहब हमारे को दिखाई नहीं दे। हमारे RK जी साहब थे, RK राय जी सिंचाई विभाग से, वो आए हैं और यहाँ प्रेजेंट टाइम में थे। अभी क्या कार्य प्रणाली चल रही है? कार्य अभी मिट्टी के तो कार्य कर चल रहा है यहाँ पर, तो इसको मिट्टी के कार्य चल रहा है। और खतरा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे बांडी SDM साहब की एक बार दोबारा आके और यहाँ पर निरीक्षण करें। और मैं अभी लेटर देने वाला हूँ बलिया जाके DM साहब को कि हमारे यहाँ आगे थोड़ा हमारे बंधा टूट जाएगा। कम से कम 1000 एकड़ जमीन है और इसमें फसल बहुत ज़्यादा है और इसमें गांव भी है। गांव भी हमारे 3 ग्राम सभा है इसमें, जो कि परड़ी टोला है और एक यहाँ भी गांव है हमारा। जी, ये गांव प्रभावित हो जाएगा? जी, बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि सबसे बढ़िया अच्छा कार्य हो यहाँ, जो कि हमारा ये बंधा टूट ना पाए। अभी क्या हो रहा है? अभी देखिए, अभी तो मिट्टी के कार्य हो रहा है, यहाँ बहुत ही अच्छा कार्य होना चाहिए जो कि सब लोग, जनता भी संतुष्ट होनी चाहिए कि हाँ, जनता के यहाँ संतुष्ट है, जरूरी है, नहीं तो टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको। आपके कहने का तात्पर्य जनता संतुष्ट नहीं है? नहीं है, अभी नहीं है। आपके अनुसार कहा माना जाए तो यह अच्छा काम नहीं किया जा रहा है? देखिए, अच्छा काम तो हम जब कहेंगे कि यहाँ की बोरी भरवा के, नई बोरी भरवाया जाए और नई बोरी भरवा के इसको पूरा लेबल कराया जाए, हम इन्हीं के कार्य को इसको रोका जाए। हम अशोक सिंह, एक सोशल कार्यकर्ता हैं। कैसा कार्यक्रम चल रहा है और क्या हुआ है? युद्ध स्तर पर बंधा के बचाव के लिए कार्य चल रहा है जिसमें अधिकारीगण सब लोगों का बढ़िया सहयोग है। क्या पानी ज़्यादा बढ़ाव? पानी का बढ़ाव है कुछ 59 या 60 के, हाँ, लमसम में है। तो खतरा बना हुआ है? खतरा तो है लेकिन उससे हम लोग लड़ रहे हैं, बचा लिया जाएगा। अधिकारी भी लगे हैं साथ? अधिकारी भी आए थे, सब लोग आए थे विभाग पर। अधिकारी को सहयोग मिल रहा है? जी जी हाँ, गांव का भी सहयोग मिल रहा है, अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है। किस प्रकार कार्य हो रहा है? जहाँ मिट्टी का काम है वहाँ मिट्टी डाली जा रही है, जहाँ बालू का काम है वहाँ बालू में कैरेट में डालकर बोरी डाली जा रही है, हर व्यवस्था। मैं ग्राम भोजछपरा के BDC प्रतिनिधि विनोद कुमार प्रसाद। विनोद जी, अभी प्रधान जी का बयान आया है कि यहाँ काम हो रहा है लेकिन संतुष्टि का काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? वो तो ठीक ही कह रहे हैं लेकिन काम जो हो रहा है लगभग सही हो रहा है। इसके काम का और आगे बढ़ाया जाए और अच्छे से किया जाए, हमें भी यही उम्मीद है कि सारे मीडिया वाले भी जो भी यहाँ हैं, नेतागण जो भी आ रहे हैं, बढ़िया से काम कराएं और बढ़िया से हो कि हमारे ग्राम सभा की जनता जो भी है संतुष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा बहुत है कि काम लो चल रहा है लेकिन इसको काम तेजी से बढ़ाया जाए। तोड़े पाई हुई क्या अभी तहसील बांसडी में घाघरा नदी का जो बाढ़ की स्थिति है उसका निरीक्षण किया है। अभी नदी का पानी जो है वो स्थिर हो गया है, परंतु यहाँ पे आबादी जो है थोड़ी प्रभावित हुई है और फसल भी प्रभावित हुई है। कुछ लोग जो बंधे पर आ गए हैं वहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे बाढ़ चौकी जो है वो स्थापित हो चुकी है, कंट्रोल रूम भी चल रहा है, यहाँ पे नाव भी लगा दी गई है और अब खाने की और फूड पैकेट और ड्राई राशन की वितरण की व्यवस्था भी जो है प्रारंभ कर। सर, इस पानी से कितने गांव प्रभावित हुए हैं? अभी पूरे जनपद में लगभग 24 गांव जो है वो प्रभावित है और अब नदी का पानी जो है उससे
देखा जा रहा है कि मैम जो गांव अभी लोग फंसे हैं इनके लिए नाव भी अभी तक कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। नाव जो है तहसील के द्वारा लगा दी गई है और अतिरिक्त नाव लगाने की व्यवस्था करी जा रही है। मैम जो बंधित लोग हैं उनका कहना है कि अभी तक हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं मिली, तिरपाल प्लास्टिक तक नहीं मिला। ये लोग सब बंधे पे जो है अभी आए हैं, हाल ही में आए हैं, तो लगातार इन लोग की व्यवस्था करी जा रही है। बाहर की व्यवस्था चल रहे मैम, जहाँ तक कहा जा रहा है कि लखपाल से भी नाव की मांग चल रही है और उसके बाद सब व्यवस्था कराई जा रही है। ठीक।